हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं श्रवण। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आऊं यहां पे ये नेटवर्क बोर्ड, पैसिव नेटवर्क बोर्ड है। बेसिकली आप इसके अंदर चला सकते हैं 2 15 के, यानी एक पूरा का पूरा टॉप आपका चल जाएगा। उसमें एक HF होने वाला है, 2 आप स्पीकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक इनपुट का ऑप्शन दिया गया है। क्वालिटी कैसी रहने वाली है और यहाँ पे ये कैसे मेरे पास पहुँचा, यानी आप में से कुछ जो कि लोकल कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन या फिर अमेजोन या फिर ऐसी कैसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा तो आपको लोगों के ज़ुबान से मिलेगा, तो वही प्रोडक्ट आज मैं लेके आऊँ। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप एक बार टेस्ट करके देखिए, चला के देखिए और पसंद आए तो रिव्यू करके भी देखिए। तो लीजिए, आपके लिए ये रिव्यू आ चुका है, ये नेटवर्क बोर्ड का वीडियो आ चुका है और वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सिंपल सी बॉक्स होता है एक, जो कि कार्डबोर्ड टाइप का बॉक्स होता है ना, उस टाइप का दिया गया है। बस यहाँ पे आपको ये मेंशन रहेगा P15750, यहाँ पे 15 इंची 750 जो कि मॉडल है HF का, उसके लिए यहाँ पे बनाया गया है। 15 इंची स्पीकर के साथ जो आता है 750, वहाँ पे HF का यहाँ पे मॉडल नंबर कहा गया है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे सिंपल सी चारों साइड सी वही गत्ते वाली पैकिंग है। फटाफट से मैं इसको ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा एक पैकिंग होगी पॉली बैग की, देख सकते हैं पॉली बैग की पैकिंग होगी। तो मैं इसे निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से जो है वो नेटवर्क बोर्ड हमें देखने को मिल जाता है। प्रोटेक की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको पास लेके आना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। मॉडल नंबर अगेन यहाँ पे भी मेंशन करा गया है P15750, इस बात का आपको ध्यान देना है। ओवरऑल ये पूरा का पूरा लुक हो जाता है इसका, क्लोज लुक आप देख सकते हैं किस टाइप से हमें ये नेटवर्क प्लेट देखने को मिलता है। तो अगर मैं वेट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा इसका वेट जो है वो मुझे देखने को मिला है। अगर आप एक हाथ से पकड़ेंगे तो आपको काफ़ी वेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, लगभग 1/2 kg का अगर। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसके और डिटेल के बारे में, तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि इस पर जो है वो हीट सिंक का काम करा गया है। जितने भी यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाए गए हैं उस पर बाकायदा हीट सिंक लगा के दिया गया है। और ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे, ये कंपोनेंट नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ये है एक यहाँ पे जैसे बल्ब है, ये फ्यूज़ बल्ब दिया जाता है। मतलब जब भी अगर ये नेटवर्क प्लेट ओवरलोड जाएगा तो ये आपको एक जलता हुआ देखने को मिलेगा। तो इससे एक अंदाज़ा भी हो जाता है कि हाँ आप ओवरलोड जा रहे हैं। तो कभी कभार आपको ऐसे लगता है कि कोई नेटवर्क प्लेट में जब ये बल्ब होता है कि अंदर कुछ जल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये बल्ब होता है जो कि ओवर पे, यानी अगर आप ओवर जा रहे हैं तो आपको एक ब्लिंक करता हुआ देखने को मिलेगा। इसका कलर ही येलो होता है तो ऐसा आपको लगता है। बाकी यहाँ पे पूरी की पूरी आप देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आपको सॉकेट जो है वो टोटल के टोटल यहाँ पे 4 सॉकेट्स देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली 3 तो हमारे यहाँ पे आउटपुट के लिए होता है और 1 जो होता है वो इनपुट के लिए होता है। आउटपुट वाला भी मैं आपको और इनपुट वाला भी जो है वो दिखा देता हूँ। ये वाला जो है दोस्तों आपको ये इनपुट वाला है, देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से ये इनपुट होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है, ये इनपुट हुआ। और ये वाला जो है दोस्तों ये 1W लिखा है, यानी पहला स्पीकर, ठीक है ना, यहाँ पे है पहला स्पीकर। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे आ जाता है हमारा दूसरा स्पीकर, यह आ जाता है दूसरा स्पीकर। और यहाँ पे ट्विटर यानी टी मेंशन करा हुआ है, तो यहाँ पे ये ट्विटर यानी हमारा HF आ जाता है। तो दोस्तों ये ओवरऑल हो जाता है। इसके अंदर कॉइल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये 3 कॉइल्स देखने को मिलती है। पहली तो आप देख सकते हैं ये कॉइल हो जाती है, दूसरी जो कि कॉइल है वो ये हो जाती है, और तीसरी कॉइल ये यहाँ पे हो जाती है, ठीक है ना। 3 कॉइल का जो है वो यहाँ पे यूज़ करा गया है। ओवरऑल अगर मैं PCB की बात करूँ तो पीछे की जो है वो क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये आ जाती है इसकी पीछे की क्वालिटी, वही ग्रीन PCB बोर्ड पे बनाया गया है, लेकिन आगे की साइड यहाँ पे एक कोटिंग यानी एक पेंट टाइप का जो है वो कर दिया गया है इसको ब्लैक देखने के लिए। बाकी ओवरऑल इसके पीछे रिपीट कराए गए हैं सारे के सारे, जितने भी हीट सिंक है वो सारे के सारे हीट सिंक के साथ रिपीट करे गए हैं। कुछ कंपोनेंट्स पे यहाँ पे टाई बेल्ट्स का यूज़ करा गया है ताकि वो लूज ना हो। और सबसे अच्छी बात जो कि इनकी मुझे यहाँ पे लगी, मतलब जरी जरी सी चीज़ पे भी ध्यान देना, जो कि ये बोल्ट्स हैं वो कैप वाले हैं, तो पूरा टच रहेगा यहाँ पे PCB से, जो कि पूरी की पूरी आउटपुट यहीं से होती है, तो पूरा का पूरा टच रहेगा। वो बोल्ट लगा देते हैं तो वो लूज़ होने के भी चांस रहते हैं। ये ग्लू डाल के यहाँ पे टाइट कर गए हैं, तो ये हो जाता है ओवरऑल।
पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क बोर्ड। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। चलते हैं कुछ और डिटेल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग जरूर नीचे कमेंट्स बताना, और कैसा लगा ये नेट्रो प्लेट वो भी जरूर बता के जाइएगा। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा HF के बारे में। दोस्तों HF आप एक ही मॉडल का इसमें यूज कर सकते हैं, वो है यहाँ पे 750 मतलब 100-110 वाट, जो कि मार्केट में आपको इस टाइप से कहने को देखने को मिलता है। तो आप उस टाइप का ही इसमें सिर्फ एक मॉडल का HF यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्पीकर, तो स्पीकर में दोस्तों यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान देना है, 4 इंची जो कि सिंगल वाइंडिंग होता है आप वो वाला भी यूज कर सकते हैं, या फिर डबल वाइंडिंग वाला भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब सिंगल वाइंडिंग में 600 वाट के नॉर्मली हमें स्पीकर देखने को मिलते हैं जो कि 4 इंची वॉइस कॉइल पे बनाए गए होते हैं, और डबल वाइंडिंग पे हमें जो कि देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर 800 वाट के स्पीकर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस बीच के गैपिंग वाले स्पीकर को आप इसमें यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर वूफर 1, वूफर 2 और ट्विटर यानी हमारा HF, तो वूफर 1, वूफर 2 की जो कि फ्रिक्वेंसी है वो भी यहाँ पे अलग अलग दी गई है, इस बात का आपको देना है। तो नीचे से स्टार्ट करिए यानी वूफर 1, वूफर 2 बीच वाला हो जाता है और हमारा ट्विटर हो जाता है टॉप पे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तीनों जो कि आउटपुट आपको मिलेगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी में मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों इसकी जो कि टेस्टिंग है वो हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि ये नीचे टॉप रखा है इसमें मैं फिट करने वाला हूं। चलिए जो कि फिटिंग है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे वायर कनेक्शन की। जैसे कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ और अभी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम इनपुट देख लेंगे, तो ये जो वायर है ये वाली ये आ रही है इनपुट हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। प्लस माइनस का ध्यान रख लेना है आपने। और वूफर 2 इस बात का आपको ध्यान देना है कि हमारा HF और दोनों स्पीकर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। स्पीकर भी यहाँ पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करती है इस बोर्ड के साथ में। नीचे वाला जो रहेगा वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेस उसमें ज़्यादा बल्कि देखने को मिलेगा। रीज़न ये है कि वूफर 1 हमारा ये हो गया यानी स्पीकर 1 हो गया, और स्पीकर 2 हमारा जो कि सेंटर का पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन हो गया। हमारा ट्विटर यानी T लिखा हुआ है, तो HF ड्राइवर जो कि हमारा ऊपर का पोर्शन हो गया। तो तीनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करेंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। और ओवरऑल वो सामने की जगह मैंने यहाँ पे चूज़ करी थी, जैसे कि मैंने बताया स्पेस कम था तो पहले ही मैंने वायर लगा चुका हूँ। चलिए वहाँ पे अभी मैं बोल्ट्स लगा के टाइट करता हूँ। तो दोस्तों हमारा दूसरा वूफर जो है वो कनेक्ट हो चुका है, यानी दूसरा स्पीकर जो कनेक्ट हो चुका है। वहाँ से आप बोर्ड पे से देख सकते हैं हमारा वूफर 2 की वायर ये जाके सीधे हमारे स्पीकर में मिल जाती है, ठीक है ना। ओवरऑल ये तो हमारा हो गया दूसरा स्पीकर कनेक्ट। चलिए मैं इसको अंदर डालता हूँ और उसके बाद इस पर बोर्ड्स लगा के उसके बाद मैं आपको इसकी क्वालिटी सुनाता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए मैंने टॉप को यहाँ पे बेस के ऊपर रख दिया, बेस बंद है खाली है, मतलब कोई भी स्पीकर नहीं है। तो मैं ये मैं सोच रहा कि बेस चलाऊंगा मैं। ओवरऑल यहाँ पे अभी एम्पलीफायर को मैं लगा चुका हूँ और म्यूजिक सिस्टम हमारा पूरा तैयार है। चलिए यहाँ से जो कि अभी सॉन्ग है वो मैं प्ले करता हूँ और इसकी मैं आउटपुट आपको सुनाता हूँ। तो फेडर बढ़ाते हैं। Oh, 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 oh
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। और दोस्तों कैसा करा इसने परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्वालिटी पे इम्प्रूव आता है अगर आप एक अच्छा खासा नेटवर्क प्लेट यानी नेटवर्क बोर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आप स्पीकर अभी तक सादे यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे आपको एक सेफ्टी प्लस एक क्वालिटी और बढ़ानी है एक स्टेप, तो मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप यहाँ पे नेटवर्क यानी पैसिव नेटवर्क बोर्ड का ज़रूर यूज़ करिए। बाकी दोस्तों ये नेटवर्क प्लेट मेरे पास कैसे आया, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये नेटवर्क प्लेट यानी इस ब्रांड का मैं काफ़ी लोगों को सजेशन देता हूँ। ये नाम जो है वो यानी प्रोटेक का जो ये नेटवर्क बोर्ड है, ये हमारे लोकल एरिया से ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है। मतलब यूज़ करते करते एक जो प्रोडक्ट होता है आपको कहीं नेट पे या फेसबुक पे नहीं मिलेगा, वो प्रोडक्ट सिर्फ आपको ऑफलाइन यानी कुछ लोगों के ज़रिए ही आपको मालूम चलता है। तो यही नेटवर्क प्लेट मुझे कुछ लोगों के ज़रिए मालूम चला कि ये वाला आप एक बार यूज़ करके या फिर टेस्ट करके देखिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका था। बात करते हैं इसकी बाकी डिटेल्स यानी कहाँ से परचेज होगा, अवेलेबिलिटी। दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक्स अवेलेबल है मेरे पास, तो आपको कितने भी पीस चाहिए हो आपको ऑनलाइन दे दिया जाएगा। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ रहता है बॉक्स का, लेकिन ये सिंगल बॉक्स पे मैं नहीं भेजता हूँ, इस पर एक थर्माकोल की पैकिंग आपको ज़रूर दी जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान है, पैकिंग के साथ में आपको दे दिया जाएगा। कोरियर की सर्विस अवेलेबल है, नीचे मैं प्राइसिंग मेंशन कर दूंगा। प्राइस डेट बाई डेट चेंज होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज जो प्राइस होगी वो कल वही होगी, तो प्राइसिंग भी चेंज होती रहती है, मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी और एक अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।